फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और आज मैं मकर संक्रांति के लिए सवेरे उठकर के घर की साफ़ सफाई वगैरह कर लिया, उसके बाद से मैं स्नान की। स्नान करते समय मैंने पानी में ही गंगा जल को मिला दिया है। आज का स्नान का ही सबसे महत्व होता है, सभी लोग गंगा नदी में नहाने जाते हैं। हालांकि मैं नहीं जा पाई हूँ और नहीं ही जा पाती हूँ। मैं घर में ही स्नान करके आज सबसे पहले सूरज को जल दिया, फिर तुलसी को। सूरज को जल देने के लिए मैंने लोटे में अक्षत, कुमकुम, तिल ये सब लेकर के जल दिया। उसके बाद से मैं घर के शेष पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ मैं फिर से जल ले रही हूँ और यहाँ पे मैं घर का पूजा करूँगी। बाबू के गर्म पानी में भी मैं यहाँ गंगा जल डाल दी हूँ, तो जब तक मैं पूजा की तैयारी करूँ तब तक वो स्नान कर लेगा। और ये मकर संक्रांति स्नान के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन जो भी, जैसे इसे खिचड़ी भी हम बोलते हैं, मकर संक्रांति को हर प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोहड़ी, पोंगल, असम में बिहू, हमारे यहाँ खिचड़ी। तो खिचड़ी की जो भी सामान होती है ना, यहाँ पे मैं 4-5 प्रकार के दालों का और चावल दान करूँगी खिचड़ी के नाम पर, और साथ में आलू चोखा के लिए। और चूंकि दिन में दही चूड़ा खाते हैं, तो दही चूड़ा, गुड़, तेल ये सब दान करते हैं। और एक कटोरे में नया वाला चावल और उड़द दाल, अदरक ये चढ़ाते हैं, जिसका रात को हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। इसी चढ़े हुए चावल का ही खिचड़ी बनता है। तो मैं यहाँ सारी तैयारी कर ली हूँ, उसके बाद से मैं अब जैसे घर का विधिवत पूजा होता है वो पूजा करूँगी। उसके बाद से चूँकि आज शुभ दिन होता है, तो हम लोग थोड़ी से हवन वगैरह भी कर लेते हैं, घर को भी शुद्धिकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके घर में भी हवन करूँगी। उसके बाद से जो दान का सामान होता है उसे छू करके ब्राह्मण को दान दे देंगे। गंगा जल लिए। चटने ना मुख हटो 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 आगे कूद के चले हैं कि इनका सबसे पहले करा। हाँ अच्छा, नजर ना लगे तेरे को। माता च पिता तमेवा त्वमेव। पूजा के बाद सबसे पहले तिल और गुड़ मुंह में डालते हैं, उसके बाद ही कुछ हम खा सकते हैं। हालांकि अभी तो हमने खाना बनाया ही नहीं है, तो मैं अब पूजा कर ली हूँ, मैं चलूँगी किचन में। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। पूजा पाठ हमारी समाप्त हो चुकी है, अब मुझे बनाना है सब्जी। आज के दिन हमारे यहाँ दही चूड़ा तो खाया ही जाता है, बिहार यूपी में दही चूड़ा ही चलता है, तो दही चूड़ा तो बनेगा ही बनेगा, बना हुआ ही है दही। अभी मैं बनाऊंगी सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी, फटाफट सब्जी बनाऊंगी। और कितना टाइम हो गया शिवांश? टाइम 10 बज गया, फटाफट अब बना करके अब निकलते हैं, नहीं तो फिर देरी हो जाएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी और आलू बैंगन की सब्जी। सब्जी वगैरह मैंने कट कर लिया है
और एक कुकर में चढ़ा रही हूँ आलू गोभी और छोटे वाले में आलू बैंगन, ताकि फटाफट हो जाए। आज के दिन का जो सब्जी बनता है पता नहीं क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। और रात का खिचड़ी, रात में बनेगा खिचड़ी, मिक्स्ड दाल का खिचड़ी। एक तरफ हमने आलू गोभी की सब्जी चढ़ाई है, दूसरी तरफ आलू बैंगन की। हमारे यहाँ कोहरा का भी सब्जी बनता है जिसको कद्दू बोलते हैं यूपी में, लेकिन कल मैं गई शाम को, लेट हो गया जाते से, कोहरा मिला ही नहीं, माफी मांग लूंगी। हमारी बेटी का बर्थडे भी है, वो आएगी 19 तारीख को। अब देख तो तब रिलेटेड उसका सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। अब तक सब्जी बन रहा है, सब्जी बनने में लगेगी थोड़ी टाइम। आलू गोभी की सब्जी थोड़ा अच्छा से ना भून के बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और आज का और हर दिन में थोड़ा अंतर हो जाता है। हर दिन तो जैसे तैसे एक बार में डालो, भूनो भानो हटाओ, लेकिन आज तो अच्छा से बना रही हूँ। तब तक मैं और बेटा जा रही हूँ सीताफल खाने। धूप तो है ही नहीं कि छत पे जाके धूप में कोई बैठ के कुछ करे, ना बच्चे पतंग उड़ा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, पता नहीं। इस साल का मौसम तो और भी गंदा है, हर साल आज के दिन से सही हो जाता था, और इस साल आज के दिन ही इतना ज़्यादा कुहासा किए हुए हैं। चलो खाओगे शरीफा, बोलो। ठीक है, दही चूरा में हम लोग चीनी के जगह पे गुड़ ही पसंद करते हैं, और हमने जैगरी पाउडर भी मंगवाया है। और चूरा को हम लोग पानी में नहीं फुलाते हैं, दूध में ही फुला देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। पानी में डाल देने से थोड़ा पानी छूट जाता है, और दूध में आप डालेंगे तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और साथ में सब्जी भी तैयार हो चुकी है, दोनों सब्जी, आलू बैंगन और आलू गोभी मटर की सब्जी। तो अब यहाँ हम खाना सर्व कर रहे हैं, समय भी लगभग हो चुका है, 10:15 हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ ऑफ़िस के लिए। तो यहाँ मैं फटाफट खाऊंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद मैं निकलूंगी ऑफ़िस। चम्मच दे। धूप में बैठ के दही चूड़ा खाने का अलग ही आनंद है, लेकिन आज तो धूप बिल्कुल ही नहीं निकला है, तो हम लोग हीटर में ही बैठ करके दही चूड़े का आनंद उठा रहे, साथ में टेलीविज़न भी देखे जा रहे हैं। ऑफिस से आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई हूँ, हल्का सा धूप निकला हुआ है, और हमारी मीना भी आ गई हैं। तो जब भी पर्व त्यौहार का दिन होता है तो वो हम लोगों का नाखून काट देती है, और साथ में अलता भी लगा देती है। तो मैं मुक्कू को भी लेके छत पे आ गई हूँ, और छत पे बैठ के ही मीना से मैं अलता लगवा रही हूँ। हालाँकि धूप उतना टाइट नहीं है, फिर भी ना से हाँ बहुत हल्का धूप निकला हुआ है ना, इतना हल्का धूप है कि इतना ऊपर मत चढ़ा दिया कि ना पूजा के दिन तहर पति सत। दही चूरा खा के सबका मन हो गया है मीठा मीठा, तो बाबू को खाना है भी प्याज का पकौड़ी, तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ सिर्फ, जिसमें कि मैं बाबू और दाई आंटी खा सके। दाई आंटी भी आ गई हैं, तो हालांकि शाम के टाइम में बर्तन वगैरह था नहीं, तो मैंने उनसे कहा बैठें और
जो भी सामान वगैरह है दे दूंगी उनको, और साथ में पकौड़ी वो बैठ के खा लेंगी। आ गया आ गया। आज के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है, आपके यहाँ क्या बनता है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जो चावल और उड़द दाल और अदरक हम लोग भगवान पे चढ़ाते हैं उसी चावल से बनता है ये खिचड़ी। और आज मैं 5 प्रकार के दाल को मिक्स करके बनाई हूँ खिचड़ी, इसी में मैंने मटर प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया है, मसाला खिचड़ी बनाया है। मैं यहाँ चोखा वगैरह नहीं बनाई हूँ और पापड़ सिर्फ तल लूँगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि खिचड़ी के चार यार, खिचड़ी के चार दोस्त होते हैं, दही पापड़ घी अचार। तो यहाँ सब हमने ले लिया है दही पापड़ घी अचार। तो अब मैं अपना ब्लॉग अब यहीं समाप्त करती हूँ, मैं चली खाने और मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।